नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। बुलेटिन में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आज महाशिवरात्रि है और इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने परिवार संग महाकाल के दर्शन किए। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी, साथ ही साथ प्रदेशवासियों पर बाबा महाकाल की कृपा बने रहने की कामना की है। पूजन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, विश्व के सनातनियों को महाशिवरात्रि की मंगल शुभकामनाएं। सीएम मोहन ने कहा, संकल्प लेकर शासकीय पूजा की शुरुआत की है, महाशिवरात्रि पर शासकीय परंपरा का निर्वहन करने का प्रयास भी किया है। बाबा महाकाल पर की कृपा सभी पर रहे, यहाँ पर यही आशीर्वाद मांगा। विक्रमादित्य काल से लेकर के राजा सूरसेन यादव तक और अभी परवर्ती काल में महाजी सिंधिया द्वारा निर्मित बाबा महाकाल के इस मंदिर में मैं आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। मुखिया होने के नाते से शासकीय पूजा यद्यपि दोपहर 12 बजे है, लेकिन मैंने संकल्प लेकर के पूजा करके हमारी जो परंपरा है शासकीय व्यवस्थाओं का विधान करने का प्रयास किया है। बाबा महाकाल सब पे कृपा करें, मैंने ये आशीर्वाद मांगा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सनातन संस्कृति के विश्ववासियों को, सभी को हमारी महाशिवरात्रि पावन पर्व की मंगल कामना है। सर, आज खजुराहो भी जा रहे हैं, आज शंखनाद होगा। निश्चित रूप से यहाँ से मैं बोरेश्वर महादेव जा रहा हूँ। जब बोरेश्वर महादेव जहाँ जल चढ़ता है, तो 4000 साल पुरानी दंगवाड़ा संस्कृति है, जहाँ जल चढ़ाओ भगवान शिव के ऊपर तो वो जल कहाँ जाता पता नहीं, गर्भगृह के अंदर चला जाता, पृथ्वी माता अपने आप में ले लेती है, जलाधारी से जल बाहर नहीं आता है। ऐसे कई रहस्यपूर्ण हमारे देवस्थान है, देवालय है, जिनके रहस्यों से पर्दा उठना है और इनका एक अलौकिक जो दृश्य होता है उसका हम अपनी आंखों से सिंहावलोकन करते हैं। मैं अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई देते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महाशिवरात्रि का यही संदेश है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यही संदेश देता है। माँ बहन बेटी का आदर और उनका सम्मान करो, उनको बराबरी का स्थान दो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को रसोई गैस के दाम 100 रुपये कम करके बड़ी सौगात दी है। मैं प्रधानमंत्री मोदी की इस सौगात के लिए अभिनंदन करता हूं। महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महाशिवरात्रि का भी यही संदेश है कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, सृष्टि अधूरी है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी यही संदेश देता है कि माँ बहन और बेटी का आदर करो, सम्मान करो, उनको बराबर का स्थान दो। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहन और बेटियों को पूरा सम्मान मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में आज धूम है। मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर को आकर्षक विद्युत सज्जा और फूलों के साथ सजाया गया। इस मौके पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ श्रद्धालुओं ने कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस समय हम मौजूद हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रांगण को पूरा विद्युत सजा और फूलों के साथ सजाया गया है, और जहां पर हजारों की संख्या में भक्त यहां पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर प्रांगण को आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ फूलों से सजाया गया है, जहाँ पर बेंगलोर से आए हुए कलाकारों द्वारा पूरा मंदिर को सजाया गया है। और आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर कुछ महाकाल की आकृतियाँ भी बनाई गई है, जिन्हें रंगोली के रूप में उकेरा गया है, जहाँ पर महाकाल भोलेनाथ और महा पार्वती से विभाग के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे आकर्षक फूल सज्जा के साथ यहाँ पर रंगोली को सजाया गया है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों की मेहनत के बाद यहाँ पर कई आर्टिस्टों के द्वारा इस रंगोली के चित्रण को तैयार किया गया है। हम उस तरफ भी देखेंगे चलते हैं, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर बाबा महाकाल का
भूतनाथ सिंगार को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ जिस तरह से यहाँ पर जो आकर्षक सजावट की गई है वाकई में यहाँ देखने लायक है। और आप यहाँ पर जो महाशिवरात्रि का पर्व एक महापर्व मनाया जाता है, जिसे भगवान भोलेनाथ के विवाह के रूप में मनाया जाता है, और जहाँ पर सुबह काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है लोग, ताकि भक्तों के दर्शन करने में किसी तरह की कोई हानि ना हो, और हजारों की संख्या में यहाँ पर लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कैमरामैन प्रिंस भाटी के साथ अभिषेक ठाकुर, उज्जैन। मंदसौर स्थित तो विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में आज महाशिवरात्रि के मौके पर भक्ति का माहौल है। बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में पूजा अर्चना और अभिषेक का दौर अभी तक जारी है। इसके साथ ही मंदिरों में कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें विशेष अभिषेक, विशेष श्रृंगार और महाआरती महाप्रसाद का आयोजन हो रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए। पूरे प्रदेश में आज शिवरात्रि का धूमधाम देखने को मिल रहा है। धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। इस मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जलाभिषेक करने के लिए पहुंची, जहां पर उन्होंने जलाभिषेक कर महाकाल की पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि की धूम पूरे देश में है। मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए श्रद्धालु अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भोपाल के बड़ वाले महादेव में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अवसर पर पूरे देश भर में धूम देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के बड़ वाले महादेव मंदिर पर मौजूद है। काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है, भक्तों की काफी आस्था। आप देखिए यहाँ पर जो महाशिवरात्रि के अवसर पर जो यात्रा भी निकलेगी, उसके लिए भी तमाम तैयारियां जो है वो की गई है। भक्तगण सुबह से ही भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोग काफी उत्साह के साथ भगवान के दर्शन जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप तस्वीर में देखिए किस तरह से तमाम जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और एक लंबी कतार जो है, खास तौर पर महिलाओं की यदि मैं बात करती हूँ तो वो सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गई है। एक लंबी कतार यहाँ पर मंदिर में देखने को मिलती है। इस मंदिर की यदि बात की जाए तो काफी प्राचीन मंदिर ये माना जाता है, और काफी ज्यादा लोगों की जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। लगातार तमाम जो भक्तगण है, आप देखिए एक लंबी कतार जो है वो इस मंदिर में हमें देखने को मिल रही है। तमाम महिलाएं जो है वो सभी भी यहाँ पर पहुंची है। और इसी के साथ यदि बात करें तो हर एक वर्ग यानी पुरुष की बात कर लें, बच्चों की बात कर लें, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम आपको भगवान की जो है दर्शन कराते हैं कि किस तरह से एक मनमोहक जो कह सकते हैं प्रतिमा है वो यहाँ पर शिव जी की हमें देखने को मिलती है। और काफी प्राचीन मंदिर होने के कारण जो सभी लोग हैं उनकी आस्था इस मंदिर से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है, और इसीलिए तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंचते बातचीत भी करेंगे। सभी लोग जो है वो यहाँ पे, और काफी जो उत्साह के साथ सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीर आप देखिए, बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। कितनी आस्था की बात है, और कहीं ना कहीं आज महाशिवरात्रि का दिन है, कितना उत्साह है आप सब? बहुत ही उत्साह है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस मंदिर में बहुत ही अच्छे से धूमधाम से यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है। आप लोग हमेशा यहीं पे आते हैं, मंदिर की क्या खासियत है अगर बात करें? शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि, भोले बाबा है, वो तो महाकाल, उनकी प्रार्थना है, अपरंपार है, वो तो कोई पार नहीं कर सकता। और शिवरात्रि पे हर भक्त वो तो भगवान को, भोले बाबा को मनाते हैं। भोले बाबा सबके, भोले वाले सब पे प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, भोले बाबा जो है सभी से प्रसन्न होते हैं, ये बातें जो है वो कही जा रही है। तमाम भक्त जो है सुबह से ही लंबी कतारों में बड़ वाले महादेव पे मौजूद है। और इसी के साथ यदि बात करें तो और भी हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले यदि देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा खासियत जो है वो भी इस मंदिर की मानी जाती है। आप देखिए किस तरह से तमाम, चाहे शहद की बात करें या फिर दूध की बात करें, दही की बात करें, तमाम चीजों से अभिषेक जो है वो भगवान का किया जा रहा है। बातचीत भी करेंगे सर। बड़ वाले महादेव काफी ज्यादा, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि लोगों के दिल में है, क्या खासियत है, किस तरह से काफी प्राचीन मंदिर माना जाता है?
ये तो बहुत प्राचीन मंदिर, काफी पुराना है ये मंदिर। यहाँ पर लोगों की आस्था इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, जो भी मन में अब विचार ऐसा लेके आता है कोई भी इंसान, लगभग उनकी पूरी ही होती है। अब जिसके जो जुड़ा हुआ है शुरू से इनके, वो तो उनके साथ रोज डेली का नियम ही, इनको रोज जल चढ़ाना हुआ। आज ज्यादा खास दिन है महाशिवरात्रि दिन, भीड़ इतनी ज्यादा आप देख रहे हैं, जो उन्हीं का आशीर्वाद है भोलेनाथ का। जो तो देखिए अगर बात करें तो तमाम भक्त काफी उत्साहित और कहते नजर आते हैं कि बड़ वाले महादेव में सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है वो अवश्य मिलता है। और इसी के साथ तमाम भक्त रोज आते हैं, और क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है तो ऐसे में ये अवसर काफी ज्यादा खास हो जाता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV27 न्यूज भोपाल। तो देखा आपने, पूरे देश में आज शिवरात्रि का त्यौहार कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को अपने अपने तरीके से प्रसन्न करने की सारी कोशिशें भक्त आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। मंदसौर के मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भक्त दूर दूर से यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, उनके जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। रायसेन में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। गाडरवारा मंदिर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, जलाभिषेक के लिए भक्त दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। धूमधाम से पूरे प्रदेश में शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। मंदसौर, रायसेन, गाडरवारा और अन्य जिलों में भी यही हाल है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर शिव मंदिरों पर श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भगवान का जलाभिषेक कर अपनी इच्छा मांग सकें और भगवान को प्रसन्न कर सकें। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर किस प्रकार का उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है, भक्तों में नजर आ रहा है, उसकी वानगी ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भक्त कितना लालायित हैं भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में भक्तजन यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि अपनी बारी का इंतजार कर सकें और जब उनकी बारी आए तो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण कर सकें, उनकी पूजा अर्चना कर सकें, उनको प्रसन्न कर सकें। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भक्त बड़ी संख्या में दूर दूर से मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज हर कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिर में पहुँच रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था, हेमा मालिनी भी मंदिर पहुंची थी जहां पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की है। मंदसौर, रायसेन, गाडरवारा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज उमड़ रही है। सुबह से ही भक्त भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज नजर आई, वहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है, जन सैलाब वहाँ पर आज आस्था का उमड़ा हुआ दिखाई दिया। भक्त दूर दूर से भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे, उनका जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आर्टिकल 370 फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, फिल्म के माध्यम से देश जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के पूर्व और उसके बाद आए ऐतिहासिक परिवर्तन को नजदीक से देख सकेंगे, नजदीक से जान सकेंगे। इसी के साथ सीएम ने नागरिकों से आर्टिकल 370 फिल्म को देखने की भी अपील की है और साथ ही साथ इस फिल्म को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री करने का बड़ा फैसला लिया है। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमाता विजया राजे सिंधिया
एयर टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। पीएम द्वारा 10 मार्च को एयर टर्मिनल का वर्चुअल उद्घाटन प्रस्तावित है। यहां पर एयर टर्मिनल के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ग्वालियर में लोगों को पीले चावल बांटे, साथ ही कहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 तारीख को 16 नए एयरपोर्ट्स का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। हिंदुस्तान बदल रहा है, बदलते हिंदुस्तान के हम और आप साक्षी होंगे। ये खुशी की बात है कि ग्वालियर में भव्य प्रोग्राम आयोजित हो रहा है। और आज महिला दिवस के मौके पर अनूपपुर जिले के अनुभव पुष्पा राजगढ़ में तैनात महिला अफसर SDOP पुष्पा राजगढ़ सोनाली गुप्ता, जिन्होंने अपने कार्यों से पूरे संभाग में अलग पहचान बनाई। सोनाली गुप्ता से TV27 न्यूज ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है सोनाली गुप्ता, चल के जानेंगे कि आज महिला दिवस के अवसर पर इनके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं। मैडम, अब तक का आपके ड्यूटी काल में क्या सफर रहा है? वर्ष 2017 में मैंने एज उप पुलिस अधीक्षक पुलिस सेवा ज्वाइन की थी। मैं बहुत सेल्फ मोटिवेटेड थी इस सेवा को लेकर, तो मेरा सेल्फ मोटिवेशन रहा है, परिवार का सपोर्ट रहा है। अभी तक का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा, वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन और मेरे जो अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं उनका सहयोग, उनके सहयोग से आज तक जितनी भी चुनौतियां आई हैं उनका हमने डटकर सामना किया है। और मध्य प्रदेश के रैली ब्लॉक के चनोआ बुजुर्ग में सहकारी समिति के वेयरहाउस में भंडारित गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए उसको भिगोने का मामला सामने आया। पानी से गेहूं गीला करते हुए वेयरहाउस के अंदर कर्मचारी वीडियो में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके वायरल होते ही जिम्मेदार अधिकारियों में सनसनी फैल गई। खाद्य आपूर्ति अधिकारी इस वीडियो को पुराना बता रहे हैं। पूरे मामले को लेकर वेयरहाउस सहायक प्रबंधक उदय मोरे से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा हाँ, इसकी जानकारी उन्हें आज ही लगी है। जानकारी लगते ही उन्होंने टीम गठित की है जो घटनास्थल पर जाकर सारे बिंदुओं पर बारीकी से जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो गेहूं को गीला कर उसका वजन बढ़ाने का मामला सामने आया है। सरकारी गेहूं में पानी मिलाया जा रहा है ताकि उसका वजन बढ़ जाए, ऐसा करते हुए कर्मचारियों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब इसको लेकर अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि उनके संज्ञान में आज ही ये मामला आया है और उन्होंने एक टीम गठित की है जो मौके पर जाकर बारीकी से हर बिंदु पर जांच की जाएगी और जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में गठित कर दी गई है टीम, जिन्हें जल्द ही पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जल्द ही ये टीम घटनास्थल पर जाएगी, अधिकारियों और कर्मचारियों से बातचीत की जाएगी, साथ ही साथ जो वायरल वीडियो में कर्मचारी ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनसे भी बात की जाएगी और जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर जिले से सिद्धार्थ दुबे जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सरकारी गेहूं में पानी मिलाने का मामला सामने आया है ताकि उसका वजन बढ़ जाए। जब आला अधिकारियों से मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी इस मामले की जानकारी लगी है और उन्होंने एक टीम गठित कर दी है जो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। तो ये क्या कुछ पूरा मामला है? जी मैं भी रहली ब्लॉक के चनौ बुजुर्ग में सरकारी समिति है जो उसमें वेयर हाउस में रखे जो गेहूं गरीबों की गेहूं इसमें पानी मिलाने का मामला सामने आया था। जी मैम, अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने बोला है कि टीम मैंने गठित की है
जो भी कार्रवाई होगी उसको। सिद्धार्थ, ये मामला कब सामने आया? क्योंकि सोशल मीडिया पर हाल ही में वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन कर्मचारी ऐसा करते हुए कब से आ रहे हैं? इस मामले में कोई जानकारी हाथ लगी हुई हो, और क्या इससे पहले कोई मामला सामने आया था जिसके बाद उन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई होती पाई गई हो? नहीं मैम, सोशल मीडिया पर है, चल रहा था मैम वीडियो। जब मैम यह वीडियो उठा तो जिम्मेदार अधिकारी भी नींद से उठ गए थे, और नकल कर सामने आ रहा है मैम वीडियो। और जो मैम जब हमने फोन लगाने की कोशिश की मैम अधिकारियों को, तो उनने मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया सागर इस जानकारी के लिए आपका। देखना होगा कि आगे जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर में धूम है, मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए लोग अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। गाजरवाड़ा शहर में स्थित डमरू घाटी शिवधाम में महाशिवरात्रि पावन पर्व पर प्रदेश के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन और अभिषेक के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। इसके साथ ही प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर मेले का आनंद उठा रहे हैं, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन ये है कि भगवान जी के दर्शन करना है तो हमें थोड़ी तो सब्र रखना पड़ेगा, तभी हमें फल भी मिलेगा। धन्यवाद। और आज क्या किया आपने? आज आए हैं, दर्शन किए भगवान के, अभी घर पे जाके भी पूजा करेंगे। कैसा क्या माहौल है आज? आज का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शिवरात्रि के पावन उपलक्ष में नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा शहर के डमरू घाटी पर लगने वाले मेले का शिक्षा परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर गाडरवारा नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके साथ ही मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का अहम बयान भी सामने आया। माफ कीजिएगा, उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन के लिए सभी आते हैं, मेले का आनंद भी उठाते हैं। मेला है और इसमें जो है मेले के साथ साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस के द्वारा जो है रूट डाइवर्जेंस के प्लान बनाए गए हैं। उसको जो है थाना प्रभारी पलोहा एवं थाना प्रभारी गाडरवार के द्वारा सभी मीडिया जो भी चैनल्स हैं और व्हाट्सएप पे डाला गया है। प्रयास ये रहेगा कि किसी भी तरीके से कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो और जो भी डाइवर्जेंस है उसको कम्प्लीटली हम इम्प्लीमेंट करें। ड्रोन से भी लगातार हमारी मॉनिटरिंग होती रहेगी। हमारे बीच विराजमान अभी आपको संबोधित कर रहे हैं किस क्षेत्र के आदरणीय लोगों के लिए आज का दिन बड़ा गौरव का और हमारे लिए एक धार्मिक श्रद्धा का दिवस होता है। और ऐसे भगवान जो कितनी गलतियां करो इसके बाद भी हमेशा अक्षम रहते हो, मतलब जो अकेले देवता जो नाराज नहीं करते, गुस्सा होते हैं तो फिर तांडव करते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा अपने भक्त की ऊपर कृपा रखने वाले। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।